हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे रूबीरोन DSR कैप्सूल के बारे में। यह जो कैप्सूल है एक कॉम्बिनेशन कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बात करें अपन इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, तो इसके अंदर रेबीपेराजोल दिया गया है, साथ में इसके अंदर डोमपेडोन दिया गया है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं, और इस कैप्सूल का उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो कैप्सूल है रूबीरोन DSR, इसके अंदर जो कंपोजिशन दिए गए हैं रेबीपेराजोल और डोमपेडोन आखिरकार क्या काम करते हैं। तो देखिए, यदि कोई पेशेंट हो उसको किसी तरह कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, GERD की समस्याएं हो गई, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो कैप्सूल है, मान लीजिए कोई पेशेंट उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, जिसके कारण उसका पेट है फूल रहा है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खट्टी डकारी आ रही है, चेस्ट पेन की उसको समस्याएं देखने को मिलती है कई बार, या फिर उसको हार्ट बर्न की समस्याएं रहती है, तो डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो कैप्सूल है जब पेशेंट के गैस बनने के कारण पेट में जलन हो रही है उसको रोकने का काम करता है, पेट फूल रहा है उसको रोकने का काम करता है, साथ में कई बार पेशेंट को गैस के कारण नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, मतलब कि उल्टी भी आने लग जाती है और उल्टी का भी मन करता है, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो कैप्सूल है पेशेंट को जब मान लीजिए मुंह के अंदर खट्टा पानी आता रहता है, तो ऐसी समस्याओं में डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार गैस के कारण पेशेंट के चेस्ट के अंदर पेन वगैरह होने लग जाता है, हार्ट बर्न जैसी, सीने के अंदर जलन वगैरह होने लग जाती है, तो उससे राहत देने का काम करता है। और भी यह जो कैप्सूल है, जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट का पेट फूलने लग गया, पेट के अंदर जलन होने लग गई, पेट के अंदर छाले हो गई हों, मतलब कि एब्डोमिनल अल्सर हो गए हों, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो कैप्सूल है पेशेंट को रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करता है। इस कैप्सूल के अंदर जो रेबीपेराजोल दिया गया है, यह आपको गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत देने का काम करता है, सीने के अंदर जलन वगैरह, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत देने का काम करता है, जबकि इसके अंदर जो डोमपेडोन दिया गया है, यह आपको नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्याओं से भी राहत देने का काम करता है। तो एक कॉम्बिनेशन कैप्सूल है, रिजल्ट आपको बेहतरीन देने के काम करता है। नॉर्मली आपको यह जो कैप्सूल है हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। देखिए, यदि यह जो कैप्सूल है आपको रूबीरोन DSR नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो कंपोजिशन दिए गए हैं रेबीपेराजोल डोमपेडोन, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला अन्य ब्रांड का आपको यह जो कैप्सूल दे देगा। अपन बात करें इस कैप्सूल की डोज के बारे में, तो डोज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को कितनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर पेशेंटों को एक कैप्सूल दिन में सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, चेस्ट पेन जैसी, या फिर हार्ट बर्न जैसी, या फिर जिनके मुंह में खट्टा पानी आता रहता है, तो ऐसे पेशेंटों को कई बार सुबह और शाम भी यह जो कैप्सूल है प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैं जिस कैप्सूल का रिव्यू कर रहा हूँ, इस कैप्सूल की प्राइस है 155 रुपये, जिसके अंदर 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड का और कोई दूसरा कैप्सूल का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर रेबीपेराजोल डोमपेडोन दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, यह जो कैप्सूल है यदि आपको रूबीरोन DSR नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है रेबीपेराजोल डोमपेडोन, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट वैसे आपको इसके कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई बार पेशेंटों को नींद आने जैसी समस्याएं या फिर किसी तरह की कोई एलर्जिक समस्याएं देखने को मिले, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस कैप्सूल का उपयोग करें। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है रूबीरोन DSR कैप्सूल के बारे में कि आखिरकार किस किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं, और इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली, तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।